हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा रिफ्रेशिंग कुल्लू की शरबत, जो केरला का फेमस है। तो मैं आज आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। ये गर्मियों को भगा देगा और आपको बहुत ज़्यादा कूल और रिफ्रेशिंग भी लगेगा। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाएँ। शरबत बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले दो बाउल लिए हैं, उसके अंदर मैं 3 टेबलस्पून शक्कर ऐड कर दूंगी और 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैं सब्ज़ा ऐड कर दूंगी। जो सब्ज़ा सीड्स होते हैं वो हमें ऐड कर देने हैं। सब्ज़ा सीड को सोख होने के लिए, इसे भीगने के लिए बस 4 से 5 मिनट लगेंगे और शक्कर भी थोड़ा सा डिज़ोल्व होगी। हम यहाँ पर इसका शुगर सिरप बना लेंगे, इसे अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और इसका हम सिरप बनाएंगे। इन दोनों चीज़ों को अब हम रख देते हैं साइड पे। अब इसे साइड पर रखकर हम यहाँ पर लेंगे 1 प्लेट। उसके अंदर मैंने सभी चीज़ें यहाँ पर बताई हैं कि हमें शरबत के लिए क्या क्या लगेगा। तो यहाँ पर हमें हरी मिर्च लगेगी, नींबू कटा हुआ लगेगा, नींबू का जूस भी लिया है मैंने, पुदीना है, नमक है और प्लस गार्निशिंग के लिए भी पुदीना है, और सब्ज़ा और शुगर सिरप भी जो हमने बना कर रख दिया था। इन सभी चीज़ों का हम यूज़ करेंगे और आज हम कुल्लू की शरबत बनाएँगे। शरबत हम डायरेक्ट ही ग्लास में बनाएंगे और उसी में हम इसे सर्व कर लेंगे। तो इसके अंदर हम सबसे पहले जो पुदीना है उसे थोड़ा सा हाथों से क्रश कर कर इसमें ऐड कर देंगे, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो अच्छे से शरबत में आए। उसके बाद हम इसके अंदर नींबू का जो स्लाइस हमने कट कर कर रखा था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद एक एक स्लिट की हुई हरी मिर्च है जिसे मैंने बीच से कट लगा लिया है, तो अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इसके अंदर 2 नींबू का जूस मैंने यहाँ पर लिया है, तो हम इसमें आधा आधा करके ऐड करेंगे। 1 ग्लास के लिए 1 नींबू का रस लगेगा। अब इसके अंदर स्वाद के हिसाब से नमक ऐड कर देना है और उसके बाद हमने जो भिगा कर रख दिया था सब्ज़ा वो हम इसमें 1-1 चम्मच ऐड कर देंगे। ये जो शरबत है बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है और हेल्दी भी है, क्योंकि सब्ज़ा जो है ठंडा रखता है बॉडी को, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। हमने जो शुगर सिरप बना कर रख दिया था वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। मैंने जो शक्कर है इसकी वो थोड़ी सी रख दी है, ताकि जो क्रंच है वो शरबत में अच्छे से आए। उसके बाद हम इसके अंदर आइस क्यूब्स ऐड कर देंगे, ताकि हमें और ताजगी भरा एहसास मिले। तो इसके अंदर आप चाहो तो डायरेक्ट ही ठंडा पानी भी ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर आइस क्यूब्स ऐड किए हैं। अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे, तो मैंने यहाँ पर पानी भी ठंडा ही लिया है और उसके बाद बस इसे हम सर्व कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा सिंपल सी ये रेसिपी है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है और रिफ्रेशिंग भी है। हम इसे एक बार स्टर कर लेंगे, ताकि इसके जो सभी चीज़ें हैं उनका फ्लेवर इसमें अच्छे से आ जाए, और बस अब हम इसे सर्व कर लेंगे। इसे सर्व करते वक्त इसके ऊपर हम पुदीना गार्निश कर देंगे और 1 नींबू का जो स्लाइस होता है उससे हम इसे गार्निश कर लेंगे। हमारा जो शरबत है वो रेडी हो गया है। ये बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। इसमें आपको मिर्च का थोड़ा सा फ्लेवर मिलेगा, पुदीने का फ्लेवर मिलेगा, सब्ज़ा प्लस होगा इसके अंदर, और नींबू की खटास होगी और शक्कर की मिठास होगी। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है, और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। स्टे ट्यून्ड विद मी गाइस। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।